बजरंग दल सेवा संगठन के पदाधिकारियों ने अपाहिज व बीमार गोवंश को सर्दी से बचाने का किया कार्य। कन्नौज से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जनपद कन्नौज के तहसील छिबरामऊ के अंतर्गत कस्बा सौरी के टोल प्लाजा कट पर आवारा गौवंश अपाहिज व बीमार पड़ी हुई हैं, जिसको बजरंग सेवा दल संगठन के पदाधिकारियों द्वारा 3/1/2024 को गाय को सर्दी से बचाने का कार्य किया। बता दें कि बजरंग सेवा दल संगठन के प्रदीप दुबे जी हरभानपुर रोड के पास सौरी कट से गुजर रहे थे। इसी समय सौरी कट टोल प्लाजा के पास एक अपाहिज अवस्था में बैठी हुई इस समय प्रदीप जी दुबे जी ने गाय के ऊपर रजाई डाली के बाद गाय के आसपास आग जलाकर गाय को आंच दिलाई। और उसके बाद बता दें कि सौरिक नगर पंचायत के चेयरमैन राहुल गुप्ता जी से गौवंश के इलाज के लिए कहा, इस गाय को कहीं गौशाला में पहुंचाने की कृपा करें। राहुल गुप्ता जी ने मुंह मोड़ते हुए कहा, हमें अभी समय नहीं। फिर बजरंग दल सेवा दल संगठन के पदाधिकारी खबर सुनकर मौके पर पहुंचे। बजरंग सेवा दल संगठन परिवार के पदाधिकारियों ने पहुंचकर गाय के लिए चारा भूसा का इंतजाम किया और उसको खिलाने का कार्य किया। आग जलाकर गाय को तपाने का कार्य किया। गाय के ऊपर रजाई भी छाया और गौवंश को सर्दी से बचाने का कार्य किया। सौरी कंट्रोल प्लाजा पर कई पदाधिकारी जैसे डॉक्टर अचल भदौरिया जी 15 किलोमीटर से चलकर सौरी टोल प्लाजा कट पर पहुंचकर गौवंश के इलाज करने के लिए मौके पर पहुंचे। इसी बीच बजरंग सेवा दल संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बताइए आप लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं? ये बीमार गाय पड़ी है और मैंने जो हमारे सौरिक के चेयरमैन जो है राहुल गुप्ता जी, उनसे मैंने इसके लिए मदद के लिए बोला था, लेकिन वहाँ से हमें कुछ भी मदद नहीं मिली। ये हमारे साथ ही अचल भदौरिया जी डॉक्टर हैं, इनको हमने फ़ोन करके 15 किलोमीटर दूर से बुलाया इसके लिए। और ये दीदी हमारी ये भी मतलब काफ़ी दूर से आई है, सुबह से 3 चक्कर लगा चुकी हैं, लेकिन इसके लिए नगर पंचायत ने कोई भी अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया। ये है बीजेपी सरकार की गाय को लेके